दोस्तों चंग माए नॉर्थ थाईलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा शहर है। आप बोल सकते हो ये थाईलैंड का एक हिल स्टेशन है। यूजुअली टूरिस्ट लोग जो इंडिया से जाते हैं थाईलैंड में, यूजुअली वो बैंकॉक, पटाया, कराबी, फीफी आइलैंड्स, फुकेट, ये सब जगह को एक्सप्लोर करते हैं। क्या दोस्तों आपको पता है थाईलैंड सिर्फ आइलैंड का ही देश नहीं है, थाईलैंड में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक हिल स्टेशन है और इस जगह का नाम है दोस्तों चंग माई। और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, अगर इंडियन व्लॉगर का अगर लिस्ट देखोगे लगभग आपको यूट्यूब में सिर्फ 4 से 5 मैक्स टू मैक्स यूट्यूबर मिलेगा जो ये नॉर्थ थाईलैंड का जो ये हिल स्टेशन एक्सप्लोर करने गया था। एंड आई एम सो लकी दैट आई एम जस्ट वन ऑफ देम। इंडिया में शायद मैं दूसरा यूट्यूबर था जो चंगमाई इस एक डिफरेंट सीन को देखने के लिए एक हिल स्टेशन में पहुंचा था। तो गाइस इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स दूंगा, आप इस नॉर्थ थाईलैंड का ये जो छोटा सा शहर चंगमाई में आप क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या एडवेंचर इंटरेस्टिंग चीज़ है, खर्चा कितना आता है और कैसे आप जा सकते हो। यूजुअल यूट्यूब में आपको हिंदी में, बंगाली में और डिफरेंट पंजाबी लैंग्वेज में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। बैंकॉक के बारे में आपको मिल जाएगा, फुकेट, पटाया, कराबी के बारे में, पर चंगमाई के बारे में वीडियो ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो में पहले आपको मैं बोल देता हूँ कैसे जा सकते हो। दोस्तों चंगमाई के लिए फ़्लाइट आपको मिल जाएगा बैंकॉक से, एक्चुअली बैंकॉक से 1 घंटा 15 मिनट का एक स्मॉल डिस्टेंस फ्लाइट है, एक्चुअली एयर एशिया और दूसरे फ्लाइट सर्विसेज मिल जाता है और फ्लाइट का खर्चा बहुत ही सस्ता है, आपको 1400 से 1500 ज़्यादा से ज़्यादा 1700-1700 रुपये के अंदर आपको फ्लाइट मिल जाएगा। आप फिर भी ले सकते हो अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट बचाना चाहते हो, अगर आप ट्रेन में जाना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो, पर ट्रेन का भी भाड़ा ऑलमोस्ट 900 से 1000 रुपये इंडियन करेंसी में लगी जाता है। तो 500-600 रुपये बचाने के लिए आपको एक पूरा दिन 12 से 14 घंटे का नाइट ट्रेन का टाइम स्पेंड तो नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, आपको तो फ्लाइट में ही जाना चाहिए, इट्स क्वाइट ईजी एंड हैंडी। तो एयरपोर्ट में पहुँचने के बाद जो मेरा जो एक्सपीरियंस था एयरपोर्ट से, मैं कैसे हॉस्टल मतलब डाउनटाउन एरिया जो चंगमाई शहर का ओल्ड सिटी का डाउनटाउन एरिया जो एक्चुअली टूरिस्टों के लिए बहुत पॉपुलर है, उसमें कैसे मैं पहुंचा। तो गाइज एयरपोर्ट से निकलते ही मुझको मिल गया था बहुत सारे कैब टैक्सीज, बट एक्चुअली मैं हूँ सोलो ट्रैवलर और बजट ट्रैवलर, तो मैंने कुछ ऐसा कैब नहीं लिया। कैब एक कैब का रेंट 600 से 700 थाईवा डॉलर बोल रहा था, तो बार्गेन करता था, थोड़ा सा कम भी होता, पर आई डिडंट टेक द इंटरेस्ट। तो एक्चुअली मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया, बाहर आने के बाद तो मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया और कुछ मिनट इंतज़ार करने के बाद मुझको दोस्तों मिल गया एक टुक टुक लाइक ऑटो जिसको बोला जाता है इंडिया में, एक छोटा सा टुक टुक। मैंने हाथ दिखाया और मैंने एड्रेस दिखाया मेरा हॉस्टल का और मैं टुक टुक से पहुँच गया मेरा हॉस्टल सिर्फ 60 थाई वर्ट में। तो एक्चुअली वहाँ का जो हॉस्टल कल्चर बहुत ही फेमस है, बिकॉज बहुत फॉरेनर्स वहाँ पर जाते हैं, एक बहुत ही शांत स्मॉल सिटी है। तो अभी चलिए आपको बोल देते हैं वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए क्या है। तो गाइस थाईलैंड का एक दूसरा शहर मतलब बैंकॉक, फुकेट, पटाया, ये सब जगह में आप जैसा सीन देखोगे आपको मैं 200% गारंटी देता हूँ उससे एकदम उलट, एकदम डिफरेंट आप व्यू, डिफरेंट सीन आप एंजॉय करोगे चंगमाई में, एक बहुत ही शांत एनवायरनमेंट और करने के लिए बहुत सारे एडवेंचर। तो पहले चीज़ जो सबसे फेमस जगह है चंगमाई में, दैट इज़ द दोईसुतप। दोईसुतप के लिए तो एक डिफरेंट वीडियो मैं बनाऊंगा, होप सो यू विल एंजॉय दैट। इट इज़ द फेमस मॉनेस्ट्री इन चंगमाई। वहाँ पर जाने के लिए आपको शहर से बाहर एक पहाड़ के ऊपर है, तो गाइस आप डिफरेंट डिफरेंट जगह में जब पहाड़ के ऊपर जाओगे मीन्स चंगमाई सिटी से, अचानक से आपको मिलेगा टेम्परेचर कहीं पे था लगभग 18 डिग्री टेम्परेचर, मीन्स डाउनटाउन एरिया में ओल्ड सिटी में। तब भी आप हिल में चढ़ोगे आप सडनली देखोगे जस्ट आधे घंटे ड्राइव करने के बाद मीन्स कैब से और दूसरे गाड़ी से जाने के बाद अचानक से 18 डिग्री टेम्परेचर कम के 10 से 11 डिग्री टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाता है। ये देखना तो बहुत ही कमाल का एक एक्सपीरियंस हुआ था गाइस। यकीन मानो एक पहाड़ के ऊपर पूरा फॉरेस्ट के अंदर एक हाईवे से जाना, इसका एक्सपीरियंस तो गजब का होता है। पूरा पहाड़, पूरा क्लाउड, मेघ, एक डिफरेंट कल्चर में मॉनेस्ट्री को एक्सप्लोर करना, सिटी को देखना और बहुत ही एक्सेप्शनल वहाँ का जो लोकल मार्केट्स है नाइट मार्केट, जस्ट यकीन मानिए दैट इज़ जस्ट ऑसम। Sound, 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 sound
यहाँ पर संडे को और सैटरडे को एक नाइट मार्केट ओपन होता है। वहाँ पर जो लोकल ट्राइब्स है वो लोग लोकल हैंडक्राफ्ट वहाँ पर आके बेचता है। तो मेरा लक बहुत ही अच्छा था, संडे को मैं पहुँचा था और शाम के वक्त ये जो नाइट मार्केट पूरा मैंने एक्सप्लोर किया। खाने के लिए तो बहुत सारे चीज़ और ख़रीदने के लिए तो शायद आपको मीन्स खरीदते खरीदते आप थक जाओगे, बट आइटम्स चीज़ ख़त्म नहीं होगा। और यकीन मानिए ये इंटायर सिटी बहुत ही सस्ता है। एक एक टी शर्ट मैंने ख़रीदा था सिर्फ 50 थाई वाट में, है ना। ये बहुत ही एक बजट वाला शॉपिंग। और खाना तो बहुत ही सस्ता है, आपको डिफरेंट तरीके का खाना भी मिल जाएगा। इंडियन खाना आपको शायद नहीं मिलेगा, मैंने तो नहीं देखा। और एक चीज़ बहुत ही फेमस थे वहाँ पर, दैट इज़ द थाई स्पा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सिर्फ 30 थाई वाट देकर आप कर सकते हो फुट मसाज, और उसका जो एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का था। तो गाइस मैं 3 दिन वहाँ पर रुका था। मैं दोई सुताब डिफरेंट मॉनेस्ट्री, वहाँ का जो हिल स्टेशन, वहाँ का जो झरने, वहाँ का जो वैली, वहाँ का रिवर, सब कुछ मैंने एक्सप्लोर किया। उसके बारे में डिफरेंट वीडियो में बनाऊंगा एक एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में। तो गाइस थाईलैंड में अगर जा रहे हो तो बैंकॉक, फुकेट, पता है जाओ, कोई इशू नहीं, बट चंगमाई को आपको तो जाना ही चाहिए, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। मैं आपको जस्ट गारंटी दे रहा हूँ चंगमाई जाकर आपका जो ये ट्रिप और बहुत ही स्पेशल बन जाएगा। थाईलैंड को आप एक डिफरेंट व्यू से देख सकते हो, थाईलैंड को एक डिफरेंट कल्चर आप इंजॉय करोगे वहाँ पर जाकर। थाईलैंड के गाँव के लोग, थाईलैंड के एकदम पहाड़ के ऊपर लोग कैसे जीते हैं, उन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, उन लोगों का भाषा क्या है, उन लोगों का कल्चर क्या है, करीब से इंजॉय करना तो कमाल है। और एज आई टोल्ड यू, ये शहर बहुत ही चिपेस्ट है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। मेरा जो हॉस्टल का खर्चा था ओनली 250 रुपये पर नाइट, मीन्स हॉस्टल का जो बेड था, और लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत ही रिजनेबल था, फ्लाइट भी जस्ट 1500 से 1600 सबको मिल जाएगा। तो इतने कम सस्ते में अगर थाईलैंड में पहाड़ देखने का मौका मिले तो क्यों छोड़ना है। आपका थाईलैंड ट्रिप में 2 से 3 दिन चंगमाई में तो आपको स्पेंड करना ही है। तो गाइज ये था पूरा इन्फॉर्मेशन अब तो चंगमाई। होप सो इफ एंजॉयड दिस व्लॉग, वीडियो को अगर थोड़ा सा अच्छा लगा कमेंट जरूर करना, बिकॉज आई लव टू रीड आउट योर कमेंट्स। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ट्रेवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और व्लॉग के लिए। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो।